लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस नेताओं ने नई मुंबई के बेलापुर में साइकिल मोर्चा निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और मंत्री असलम शेख, जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने एनएमएमसी मुख्यालय से लेकर कोकण भवन तक मोर्चा निकाला, प्रदर्शन किया। कांग्रेस मंत्रियों ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन आज इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोग साइकिल पर चलने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ाकर मोदी सरकार ने जनता का जीना हराम कर दिया है, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं ने आज महंगाई और डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नवी मुंबई में साइकिल मोर्चा निकाला और जमकर नारेबाजी की। मोर्चे में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और मंत्री असलम शेख, जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी समेत कई बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने एनएमएमसी मुख्यालय से साइकिल पर प्रदर्शन करते हुए कोकण भवन तक मोर्चा निकाला और विभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर मोदी सरकार से बढ़ी कीमतों को रोल बैक करने की मांग की। मंत्री असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और निर्णयों के कारण ही आज महंगाई और बेकारी बढ़ रही है। मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का जुमला दिया था, लेकिन आज यही जुमला आम जनता का जीना हराम कर दिया है, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आइए सुनाते हैं कांग्रेस नेताओं ने और क्या कुछ कहा। जेव्हापासून मोदी सरकार आलेलं आहे तेव्हापासून मला सांगायला पाहिजे, जवळपास 69 वेळा जे आहे ते पेट्रोल आणि डिझेलचे दाम वाढलेले आहेत। ज्या सरकारने केंद्रामध्ये आल्यापासून 25 लाख करोड रुपये जे आहे, लाख करोड रुपये हे या पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या प्राईसमधून घेतलेले आहेत। सातत्याने एक्साईज वाढवण्याचं काम करत आहेत। ज्यावेळी आमचं सरकार होतं त्यावेळेची एक्साईज ड्युटी आणि आजची एक्साईज ड्युटीमध्ये किती फरक झालेला आहे, कोविडच्या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या वतीने काय मदत झाली, हा सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। आणि म्हणून आज या मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांचा निषेध करत आहोत। आणि या ठिकाणी मला एकच सांगायचं आहे की या मोर्चाच्या माध्यमातून आज सुरुवात झालेली आहे, परंतु आमचा कार्यक्रम पुढे पण सातत्याने चालू राहणार आहे। याच्या माध्यमातून आज आम्ही सायकल मोर्चा करतो, कारण पेट्रोल डिझेल इतकं महाग झालंय की आता सायकलवर फिरण्याशिवाय पर्याय उरला नाहीये। वही सायकल मोर्चा का आयोजन करने वाले नई मुंबई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला और जीएसटी, नोटबंदी और कृषि कानूनों से जुड़े मनमानी फैसलों को देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। मोदी सरकार आने के बाद में डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, पीएनजी जितना 70 साल में रेशो वाइज नहीं बढ़ा, उतना 6 साल में बढ़ा है। ये आदमी अव्यवस्थित आदमी है और इसकी सरकार फेल है। आज ऑटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कार, ट्रांसपोर्ट के ट्रक, इनके ऊपर जो बोझा पड़ा वो डायरेक्ट बोझा पब्लिक के ऊपर डाइवर्ट हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार आरबीआई से पैसा मंगाया है और 3 आरबीआई ने ना बोला तो उनको बदली किया। ये आदमी को नॉलेज नहीं है देश चलाने का। ये जल्दी चेंज हो ये हेतु से नई मुंबई से पूरा देश में मैसेज जाएगा। ज्या ज्या वेळेला त्यांनी महागाई वाढ केली त्या त्या वेळेला आम्ही त्यांचा पुतळा जाळून म्हणा, अच्छे दिन म्हणून केक कापून म्हणा, आज आम्ही सायकल रॅली काढून त्यांचे निषेध करतो। काल लोकांना गाड्या बंगारच्या भावात विकायची वेळ आलेली आहे। ही परिस्थिती फार भयानक आहे। आज मोदी सरकारचा आम्ही निषेध करतो आहोत। बीजेपी सरकार आल्यापासून या काँग्रेसच्या राज्यामध्ये जे डिझेलचे भाव होते, पेट्रोलचे भाव होते, आज सेंचुरी पार झालेली आहे। ज्यांनी फक्त 7 पैसे वाढले, ज्याने आंदोलन केलं त्याच्या बीजेपी सरकारने, आणि आज त्यांच्या राज्यामध्ये 100 रुपये लिटर पेट्रोल पार झालेलं आहे।
आज गरिबांना जगण्याची मारामारी झालेली आहे. त्यांनी जे आश्वासन रोजगाराचं दिलं होतं ते रोजगार आज सगळा गायब झालेला आहे. म्हणजे लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये लोक जग सरकारला जाग येण्यासाठी आजचा हा आम्ही मोर्चा काढलेला आहे. आता बेशरम सरकारला इशारा देणार नाहीये. आम्ही आमची ताकद दाखवून त्यांना सांगणार आहे की देशची जनता ठस झालेले पूर्ण. आज तेलचे भाव वाढलेले आहेत, खाण्याचे तेलचे भाव वाढलेले आहेत, पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवलेले आहेत आणि सर्व बेरोजगार वाढलेले आहेत. आणि कोरोना काळात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वॅक्सिन पाठवतच नाही आहे. लाज वाटण्याचे विषय आहे. काल ते कॅबिनेट बदली करताना RSS वाले पहिले मोदीचे कॅबिनेट बदली करायला पाहिजे होता. त्याला तर काहीतरी देशात सुधार झाला असता. या पेट्रोलच्या दरवाढीबद्दल प्रत्येक वेळेला सरकारला जाग यावी म्हणून काँग्रेसच्या माध्यमातून अनेक वेळेला अशा प्रकारची आंदोलनं केली गेली. परंतु अजूनपर्यंत कुठल्या प्रकारची जाग गेंड्याच्या कात्री असलेल्या या मोदी सरकारला आलेली नाही. म्हणून त्याच्या विरोधात 7 ते 17 तारखेपर्यंत हा मोठा कालावधी हा संपूर्ण देशभर आंदोलन छेडणार आहे. आणि याच्यानंतर जरी मोदी सरकारला जाग आली नाही तर आमचा कूच दिल्लीपर्यंत जाणार आहे. सर्व कार्यकर्ते दिल्लीपर्यंत घेराव करण्यासाठी जाणार. काँग्रेस की सोच हिंदुस्तान के आखिरी आदमी तक जाती थी. ये सिर्फ दो व्यापारिक घरानों के ऊपर चला रहे हैं. उसका विरोध करने के लिए आज कांग्रेस जन सड़क पर उतरे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं. पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है. दिल्ली की सरकार को जो महंगाई और लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण जीवन देने के लिए तैयार है उसका निषेध करने के लिए आंदोलन है. और तलब है कि नवंबर में आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं. ऐसे में कांग्रेस के दो बड़े मंत्रियों का साइकिल मोर्चा में शामिल होना कई संकेत देता है. कहने के लिए भले ही यह मोर्चा मोदी सरकार के खिलाफ था लेकिन इसके जरिए कांग्रेस नवंबर में अपना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई. जो एकला चलो रे की उसकी रणनीति का बड़ा संकेत देता है. ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.